the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, get me. Hi friends and welcome to my channel. आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक हेयर सीरम जो आपके बालों को सिल्की और स्मूथ बना देगा। और ये एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है तो आपके हेयर को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है और आपके बाल एकदम सिल्की और स्मूथ दिखने वाले हैं। ये देखिए, आप मेरे बालों में शाइन देख सकते हैं इस सीरम को लगाने के बाद। ये सीरम डेफिनेटली आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज नीचे लाइक का बटन दबाइए और नीचे एक रेड बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही ऐसे ही अच्छे और यूजफुल वीडियो लाने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। नेचुरल हेयर सीरम बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इसमें 2 चम्मच एलोवेरा डालेंगे। यहाँ पर मैं हेयर सीरम अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। आपके बाल अगर छोटे हैं तो आप क्वांटिटी उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एलोवेरा में प्रोटीलेटिक एंजाइम होता है जो कि स्कैल्प के डेड स्किन सेल्स को रिपेयर करता है। ये हेयर ग्रोथ बढ़ाने के साथ साथ नेचुरल कंडीशनर का भी काम करता है। 5 चम्मच रोज वाटर लेंगे। रोज वाटर हेयर के पीएच बैलेंस को स्टेबलाइज करता है और डैमेज हेयर रिपेयर करता है। 8 से 10 बूंदे ऑलिव ऑयल की लेंगे। ऑलिव ऑयल हेयर केयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये बालों को लॉन्गर थिक बनाने में हेल्प करता है और स्कैल्प के इशू भी खत्म करता है। लगभग 1/2 चम्मच ग्लिसरीन डालेंगे। ग्लिसरीन बालों की कंडीशनिंग करता है और बालों को सॉफ्ट बनाता है। अब इन सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बिल्कुल मार्केट के सीरम जैसी है। तो अब इसे बालों में अप्लाई करेंगे। सीरम अप्लाई करने से पहले हेयर वॉश कर लेने हैं, उसके बाद ही इसे अप्लाई करेंगे। ये मेरे हल्के गीले बाल हैं। अब बालों को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और आगे की तरफ निकाल लेंगे। ये बाउल में वो हेयर सीरम है जो मैंने अभी बनाया था। अब इसे बालों पे अप्लाई करेंगे तो इसे फिंगर पे इस तरीके से ले लेंगे और अपने हाथों के बीच में ऐसे रब करने के बाद बालों पे अप्लाई करेंगे। अगर आपके बाल मेरी तरह ही हैवी हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से ये सीरम अप्लाई करना है ताकि ये रूट से लेकर टिप तक आपके बालों पर लग सके, क्योंकि बाल जैसे ही लंबे होते जाते हैं उनका नरिशमेंट कम होता जाता है नीचे से। तो पूरी हेयर लेंथ पर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है सीरम को। सेम तरीके से दूसरी तरफ के बालों में भी हेयर सीरम अप्लाई कर लेंगे रूट से लेकर टिप्स तक। अपने हेयर के टिप पर सीरम थोड़ा ज़्यादा लगाएं क्योंकि वहाँ पर नरिशमेंट की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। बालों पे सीरम अप्लाई करने के बाद अपने हाथों की फिंगर से इस तरीके से सीरम को बालों में फैलाना है, क्योंकि मोस्टली ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से बालों पर लेयर हो जाती है सीरम की, लेकिन अंदर से वो रह जाते हैं। तो इस तरीके से आपके सारे बाल कवर हो जाएंगे और सीरम अच्छे से अप्लाई भी हो जाएगा बालों पे। आप इस मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके सारे बालों पे सीरम आसानी से अप्लाई हो जाएगा। बालों पे सीरम अच्छे से अप्लाई हो चुका है तो आप अपनी स्कैल्प पर भी सीरम लगा लेते हैं। उसके लिए आप अपनी फिंगर टिप्स पे पहले सीरम लगा लें और उसके बाद इस तरीके से अपने हेड पर मसाज दें। इस सीरम में मिले नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपके स्कैल्प की डेड सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करेंगे और डैंड्रफ या फिर किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देंगे। सीरम अच्छे से अप्लाई करने के बाद आप कॉम करते हैं। इस सीरम को लगाने के बाद आपके बाल भी बहुत ही आसानी से कॉम हो जाएंगे। ये देखिए कितना इजीली मैं कॉम कर पा रही हूँ अपने लॉन्ग हेयर भी। इस सीरम में मिले हुए एलोवेरा और ग्लिसरीन बालों की कंडीशनिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल उलझेंगे नहीं।
और आप बहुत ही आसानी से इन्हें कॉम कर पाएंगे। ये सीरम लगाने के बाद से ही आपको अपने बाल सॉफ्ट फील होने लगेंगे और एक महीने बाद आप इसका रिजल्ट भी देख सकेंगे। जनरली हम वीक में दो बार हेयर वॉश करते हैं, तो आप ये सीरम वीक में दो बार भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके बाल ज़्यादा ड्राई हैं तो आप इसे दो से तीन बार भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इस सिरप में रोज़ वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा करके इसे एक स्प्रे बॉटल में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं और इसे दो हफ्तों तक चला भी सकते हैं। बस जब भी आपको अपने बाल ड्राई लगे, आपको ये स्प्रे अपने बालों पर करना है, उसके बाद वो एकदम स्मूथ हो जाएंगे। बाल अच्छे से सूख चुके हैं मेरे, आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और स्मूथ दिख रहे हैं ये। और मैं आपको अभी टेस्ट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, मेरे बालों में किसी तरीके का ऑयल नहीं है। ये सीरम आपके बालों को सॉफ्ट और सिल्की बनाने के साथ साथ आपके हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो नीचे लाइक का बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप मेरी आने वाली और वीडियोज़ भी देख पाएँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।